बार तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं होगा अशोक। आज ही अध्याय सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। अरे रानी धर्मा, यहाँ यहाँ क्या कर रही है? राजकुमार अशोक ने पीछे से वार करना कब से सीख लिया? नैतिकता अशोक समझता है चंड नहीं, और अनैतिकता का उपचार करने के लिए अनैतिकता का ही सहारा लेना पड़ता है। पूछिए उससे कि जब मैं कौंडन्य का पीछा कर रहा था तो मैंने देखा क्या कर रहा था ये कौंडन्य की कुटिया में, या इसने उसको भगाने में सहायता नहीं की? वाह अशोक वाह, नाटक करना तो तुम्हारे रक्त के अंदर घुला मिला हुआ है। सुशील, आवाज ऊपर करने से तुम्हारा झूठ सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, और सत्य यह है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा था रंगे हाथों। वहां जब तुम मगध के सबसे बड़े अपराधी को भागने में सहायता कर रहे थे उसकी, और तब तुमने आक्रमण किया था मुझ पर। सम्राट, सत्य तक पहुंचने से पहले मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। निरंकुश भागा नहीं है सम्राट, ना उसे भगाया गया है, और उसे भगाने में पूरा पूरा सहयोग दिया है अशोक ने, और उनका सहयोग दिया है मेरे पूजनीय आचार्य राधा गुप्त ने, क्योंकि सम्राट आचार्य चाणक्य के भांति ये भी राज सिंहासन पर किसी अन्य को नहीं अशोक को देखना चाहते। हाँ सम्राट, मैंने भगाया था निरंकुश को क्योंकि ये हमारी योजना थी, क्योंकि हम ये जानते थे कि निरंकुश स्वामी भक्त कुकड़ की भांति भागता हुआ सीधा कौंडन्य के पास जाएगा, उसके माध्यम से हम कौंडन्य को पकड़ लेंगे, किंतु इससे पहले कि हम कौंडन्य तक पहुंचते वो भाग चुका था। यदि अशोक की मंशा में खोट नहीं होती तो वो अपनी योजना आपको बताते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मगध सम्राट पर विश्वास नहीं किया। अविश्वास नहीं सम्राट, मेरी मंशा केवल परिणाम देने की थी। मैं केवल कौंडन्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, और आंतरिक सुरक्षा का प्रभारी होने के नाते मगध के हित में निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। परिणाम तो बहुत अच्छा रहा अशोक, और तुम्हारे निर्णय का मूल्य मगध को निरंकुश को खोकर चुकाना पड़ा, जो हमें कौंडन्य तक पहुंचा सकता था। तथ्य वही है, किंतु अपराधी अब सुशीम से अधिक तुम लग रहे हो। मैं रुक जाइए सम्राट, प्राण इसलिए नहीं ले रही
कि तुम सभा में सत्य कहो। ये सत्य कि अशोक कोंडना को पकड़ने के लिए निरंकुश का पीछा कर रहा। ये सत्य कि तुमने अशोक को मारने का प्रयास किया था। और ज्ञात रहे, मैं तुम्हें जानती हूं और अशोक भी तुम्हें जानता है। यदि तुमने भागने का प्रयास किया तो अशोक तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो चंड है, चंड। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो अशोक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। ये उत्तर है सम्राट कोंडना का समर्थक। ये सत्य है सम्राट, मरने से पहले मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं। मैं अशोक से हार गया, संसार के आंखों में धूल झोंकने में मैं सफल रहा, किंतु अशोक के नहीं। इसलिए आज मैं सबके सामने अपनी हार स्वीकार करके आत्मसमर्पण करने आया हूं। कौन है कोंडना? कहां छुपा है वो दुष्ट? हमें बता दो, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। यदि कोंडना का सत्य प्रकट किया तो कोंडना और उसके साथी ना मुझे छोड़ेंगे ना मेरे परिवार को। आत्मसमर्पण करके अशोक से परिवार की रक्षा तो कर ली, अब अपने परिवार को कोंडना के कोप से सुरक्षित करना होगा और उसका एक ही विकल्प है। कोंडना मैं हूं। और उत्तर भी, मैंने अपनी दो दो पहचान बना रखी थी ताकि लोगों में अज्ञात कोंडना का भय स्थापित कर सकूं और धन सरलता से उगा सकूं और किसी को भी मुझ पर कोई संदेह ना हो। किंतु मैं जानता कि अब मेरा खेल समाप्त हो गया है और अब दंड भुगतने का मुझ में अब साहस नहीं है। रोको सर! संभव नहीं। कोंडना जैसा क्रूर व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता, समर्पण नहीं कर सकता। इस व्यक्ति के अपराध स्वीकृति से यह स्पष्ट है, ना ही अशोक की कोंडना के साथ सहभागिता थी और ना ही उसने समर्थन किया। और अशोक ने जो कुछ भी किया वो तो केवल कोंडना तक पहुंचने के लिए की और उसे सफलता भी प्राप्त हुई। किंतु एक बात और, अशोक ने अपने भाई पर विश्वास किया और ना ही सुशीम ने अशोक पर, जिसके कारण दोनों भाइयों के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप सुशीम को नगर में अपमान सहन करना पड़ा और अशोक मेरे विश्वास को पुनः खो देने की स्थिति में पहुंच गया। किंतु अंत भला तो सब भला, पुनः दोनों राजकुमारों को चेतावनी दे रहा हूं, कोई भी समस्या हो सर्वप्रथम मुझे सूचित करें, साथ साथ अशोक और उसके सहयोगियों को बधाई देता कि उन्होंने कोंडना के आतंक का अध्याय सदैव के लिए समाप्त कर दिया।
यामक सुशीम, भविष्य में अपने भाई अशोक की मनशा पर संदेह ना करना। पूर्वग्रह की भावना अपने हृदय से निकाल दो। आज की सभा का उद्देश्य पूर्ण हुआ। सभा स्थगित की जाती है। मामाते ने मेरे कक्ष के अंदर ही आपके निवास की स्थायी व्यवस्था की है। स्मरण रहे, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, कोणना खोज बंद नहीं हो जाती, यही सबसे सुरक्षित स्थान है छुपकर रहने का। क्योंकि बिना मेरी अनुमति के कोई भी मेरे कक्ष में आने का साहस नहीं करता है। आपकी सुख सुविधा के लिए जो चाहिए सबका ध्यान रखा है मैंने। आपसे यही निवेदन है कि आप यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास मत कीजिएगा।